गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज़ आवर हिंदी टर्म्स। सो हिंदी में आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, क्लास 5 में आज हमारा चैप्टर 5 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 4 तक प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है। चैप्टर 5 है हमारा एक बूंद, ठीक है। इसका पाठ परिचय क्या है? बादल के आगोश से जब बूंद धरती पर गिरती है तब वह अपने मन को क्या क्या सोचती है, इसका वर्णन अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इस कविता में किया है। इस कविता के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। तो आओ हम लोग कविता पढ़ते हैं बेटा, देखते हैं इसमें कैसे बताया गया है, ठीक है। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद आगे को बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारों पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल की एक ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई अनमनी, वह सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। ठीक है बेटा, कितना सुंदर इसका कविता था। अब आप लोग इसे 2-3 बार अच्छे से पढ़िएगा और लर्न कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। आइए हम लोग आगे इसका पढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग है इसमें, वर्ड मीनिंग क्या है? ज्यों का मतलब जैसे ही, कढ़ी मतलब निकली या कढ़ना निकलना, बदा है मतलब किस्मत में लिखा है, समुंदर मतलब सागर, अनमनी यानी बेमन उदास, झिझकना यानी हिचकिचाते, अक्सर यानी प्राय, ज्यों यानी लौ यानी की तरह। ठीक है, इसमें फिर बहुविकल्पी प्रश्न है। तो आइए बेटा हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि एक बूंद की अंतर्वेदना का चित्रण कर रहा है। ये है, घर से निकलने पर लोग क्या करते हैं? घर से निकलने पर लोग झिझकते हैं, नहीं निकलते, ठीक है। ये आंसर है। किसका मुँह खुला था? सीप का। बूंद किस में गिर पड़ी जाकर? किस में गिर पड़ती है बेटा? सीप में, ठीक है। उसके बाद पढ़ो, समझो और उत्तर दो। बादलों की गोद से निकलने के बाद बूंद के मन में क्या विचार उठे थे? इसका आंसर मैं आपको लिख के दे दूंगी, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद है बेटा कविता की पंक्तियों को पूरा करो। तो ये कविता है बेटा, आपको बुक में से देख के इसे फिल करना है, HW है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। बादल का मेघ, जलधर, नीरद, कमल का पंकज, सरोज, जलज, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग अपनी बुक में फिल करिएगा। उसके बाद है फूल का पर्यायवाची पुष्प, कुसुम, सुमन, हवा का वायु, पवन, समीर, घर का भवन, गृह, सदन, समुद्र का समुंदर, जल्दी, रत्नाकर। फिर कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में से क्रिया और संज्ञा शब्द छाटो। तो पंक्तियाँ हैं, फिर क्रिया है, संज्ञा शब्द हैं। तो जो निकल कर बादलों की गोद से, तो निकल कर हमारा क्या हुआ इसमें? क्रिया, और बादल क्या हुआ? संज्ञा। मैं बचूंगी या मिलूंगी, तो बचूंगी और मिलूंगी क्या हो गया? क्रिया। और संज्ञा क्या हो गया? धूल। बह गई उस काल की एक ऐसी हवा, तो बह गई क्या है? क्रिया है। और संज्ञा क्या हुआ? हवा। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, जा पड़ी क्या है? क्रिया। संज्ञा क्या है? मोती। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें, तो छोड़ना क्रिया हो गया, घर क्या हो गया? संज्ञा। उसके बाद है वचन बदलना। तो बेटा HW आप लोग इसे खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के समान उच्चारण वाले शब्द बनाइए। तो बूंद का समान अर्थ होगा घूट, समान उच्चारण, धूल का मूल, कमल का सरल, सीप का दीप, बदा का अदा, अंगार का कंगार, काल का हाल, मोती का सोती। उसके बाद है हमारा निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। तो HW ये खुद से करिए आप लोग। फिर निम्नलिखित शब्दों से पहले उचित विशेषण का प्रयोग कीजिए। बादल के आगे जैसे काला बादल, सुंदर कमल, महकते फूल, तेज हवा, प्यारा घर, अच्छे लोग, शरद ऋतु, चमकते मोती। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखे। तो बेटा एक साइड अशुद्ध है, मैंने उसको शुद्ध करके लिख दिया है, आप लोग ये बुक में अपने कंप्लीट कर लीजिएगा।